नासिर बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरे पेज के लिए एंड यू नो इंडियन न्यूज़ के लिए किया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं यू नो देखती हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स आ रहे होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं डिफरेंट, उनकी आपकी खुद की बिगिनिंग कहाँ से हुई? मैं तो एक बड़े अजीब से नाम है गाँव का, वजीरिस्तान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, तो इस तरह मेरी पैदाइश यहीं की है रावलपिंडी की। तो क्रिकेट खेलता नहीं था, बरल जाता था ग्राउंड में देखने, मेरा बड़ा भाई खेलता था तो वहाँ पे एकेडमी आती थी बाजा एकेडमी, मैं उनको देख के बड़ा काफ़ी खुश होता था, मेरा दिल था यहाँ खेलूँ मैं भी। बस फिर आस्ता आस्ता शुरू की क्रिकेट, फिर इसी तरह दो तीन दफ़ा ट्रायल्स दिए, मतलब किसी के बगैर पूछे बगैर चला गया, नहीं सिलेक्ट हुआ, बड़ा गुस्सा आया ही है। फिर इस तरह करते करते 2013 में इवेंट हुआ था अंडर 16 का, पेप्सी वालों ने करवाया था, पीसीबी पेप्सी दोनों का, तो उसमें मैं खेला था और मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ था ऑल पाकिस्तान। अच्छा, आपका देखा हुआ है कि अभी यूथ 11 के खिलाफ बड़ी आपकी अग्रेसिव इनिंग्स नज़र आई कि आप तेज तेज भी खेले थे। पाकिस्तान का अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि आजकल की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, जब आपको यू नो हिटिंग की ज़रूरत है और सिंगल्स, उसमें थोड़ा सा पाकिस्तान लैग कर रहा है, तो आपकी पर्सनल बैटिंग स्टाइल कैसा है? हाँ, मैं तो रन बॉल खेलता हूँ, एग्रेसिव खेलता हूँ थोड़ा सा, बाकी जो क्रिकेट हो रही है वेस्ट इंडीज में तो स्लो पिचेस है, इसी तरह ही चलेगा काम। नहीं, लेकिन जनरली जो है पाकिस्तान को समझा जाता है ना कि 300 पार स्कोर है और हमारी टीम जो है 250 के करीब करती है, उससे ज़्यादा करती नहीं, क्योंकि हमारे पास उस तरह के पावर हिटर्स नहीं है हम जिस तरह के अब्दुल रजाक या शाहिद अफरीदी जैसे। तो आप खुद, आपका क्या, यही मैं पूछ रही हूँ कि आपका क्या मोटो है, किस तरह खेलना चाहते हैं? हाँ, मैं तो हमेशा से तेज़ खेलता हूँ, कभी ये नहीं सोचा कि अच्छा मुझे ये बताइए कि फिटनेस, यू नो फिटनेस की बात हो रही, अक्सर पाकिस्तान का भी ये भी होता है कि यू नो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनको फिट नहीं समझा जाता कि जी ट्रेनिंग नहीं करते या फिर अपनी डाइट का नहीं उस तरह से ख्याल रखते। आप पर्सनली क्या करते हैं, क्योंकि फील्डिंग भी है, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फिटनेस, तो आप पर्सनली क्या करते हैं अपने आपको फिट रखने के लिए? मैं तो अल्लाह पाक का शुक्र है, सुबह उठता हूँ तो अपनी जो रूटीन बताता हूँ, सुबह उठता हूँ मैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ के ग्राउंड चला जाता हूँ, वहीं से मैं फिर अपनी एकेडमी चला जाता हूँ, वहाँ प्रैक्टिस वगैरह की, नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर शाम में 7 बजे घर आया तो आके नमाज़ वगैरह पढ़ी, खाना खाया, अबू की शॉप पे चला गया, उनकी थोड़ी हेल्प की, और उसके बाद जब रात को सोने लगता हूँ फिर मैं अपनी डायरी में लिखता हूँ जो मैंने सारा दिन में किया होता है और जो कल करना होता है वो लिख के रख देता हूँ। मतलब खाने पीने का ध्यान रखते हैं? जी, खाने पीने का बहुत ध्यान रखा हुआ है, सैलड खाता हूँ, खाने में ऑयली बिल्कुल नहीं यूज़। अभी तो आप खा रहे थे यहाँ पे टिक्के शिक्के? नहीं, टिक्के नहीं खाए नहीं मैं ऐसी तंग करी। अच्छा ये बताइए कि आगे जो लोग यू नो क्रिकेट में आना चाहते हैं, बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह जो है, और अब आपका नेक्स्ट, आपका पर्सनल एम क्या है, पाकिस्तान टीम नेशनल टीम के लिए खेलना, या क्या कहेंगे? जी, अपने बारे में तो यही कहूँगा, अभी मैं पाकिस्तान का पंजाब टीम का हिस्सा हूँ, देखते हैं वो उमर भाई है, मुझ पर भरोसा हुआ, मुझे चांस देके इंशाल्लाह आपको उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा, परफॉर्म करूँगा और जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में आने की कोशिश करूँगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और जो यूथ प्लेयर हैं बाकी, उनको यही कहना चाहूँगा, आजकल जो उनसे हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं उनको चांस नहीं मिलता, बाज़ात प्लेयर अच्छे होते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, वो कहते हैं नहीं यार यहाँ चांस नहीं मिलता, सिफारिश चाहिए, वो ऐसी कोई बात नहीं, आजकल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई, यानी हार नहीं माननी, हार नहीं माननी चाहिए, क्रिकेट बहुत ज़्यादा होगी, आपको कहीं भी चांस मिले आप उसको अवेल करो और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। ठीक ठीक ठीक, और आप आगे वर्ल्ड कप के लिए क्या कहेंगे, लास्ट पार्टिंग थॉट्स? वर्ल्ड कप के लिए फुल तैयारी में है, पर्सनली तो मैं अब आपको बताऊं, मैं फुल ट्रेनिंग कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, और बाकी प्लेयरों से भी मेरी बात होती है जो मेरे साथ लास्ट ओवर पे थे, सारे माशाल्लाह अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट है, कोई नए प्लेयर आते हैं हमारी टीम के लिए वर्ल्ड कप के लिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।